ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। इन दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसका जो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका एक ग्राफ हमको दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को क्या बोल दिया है कि चारों स्टेटमेंट में से क्या ढूंढो आप, करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है। मैं एक एक करके रीड करता हूँ, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है द ऑब्जेक्ट मूव विद कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए, देन इट मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ऑप्शन ए कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से ए तक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कि ओ से ए वाले के लिए जो स्लोप है वो तो कॉन्स्टेंट है, पर हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो अगर स्लोप कॉन्स्टेंट है यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और इसने क्या कहा, ओ से ए वाले पार्ट में क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, यानी इसका पहला पार्ट जो है ना, ए ऑप्शन का पहला पार्ट ही बता रहा है क्या ये रॉन्ग है, क्या है इंटर, ठीक है। अब ऑप्शन बी के बारे में देखते हैं। ऑप्शन बी में उसने क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। ऑप्शन बी में बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। अगर आप देखेंगे गौर से तो वही वाले पार्ट में तो कॉन्स्टेंट है, उसके बाद स्लोप बदल गया है ना, उसके बाद पहले स्लोप ये था, बाद में क्या हो जाएगा, थीटा बदला, इंक्लिनेशन बदला, यानी स्लोप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी वो यूनिफॉर्म है ही नहीं, वो तो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। समझ में आ गया, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही है, पहले कॉन्स्टेंट थी, बाद में क्या हो गई, बढ़ गई, उसके बाद क्या हो गई, कम हो गई, यानी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही है, वो तो चेंज हो रही है। समझ में आ गया, पहले कॉन्स्टेंट फिर बढ़ी फिर कम हो गई, इस तरीके से, यानी बी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से सी वाला ऑप्शन में बोला है उसने एवरेज वेलोसिटी इज लो, क्या बोलता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है उसकी, जीरो है। अगर आप गौर से देखेंगे कि पार्टिकल ऐसे चला, ये डिस्प्लेसमेंट, ये पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट होता कोई पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कम हो गया ये वाले पर्टिकुलर टाइम पर, तो डिस्प्लेसमेंट लास्ट में क्या हो गया, जीरो हो गया कुछ ये वाले टाइम पर। समझ में आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट लास्ट में जाकर के क्या जीरो हो जाता है, यानी एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है यानी एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो, यानी सी वाला ऑप्शन क्या आया, करेक्ट था। समझ में आ गया। और फोर्थ ऑप्शन में उसने कहा था कि द ग्राफ शोन इज इंपॉसिबल, ये तो पॉसिबल ग्राफ है नॉर्मल। समझ में आ गया, तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। आपको दो चीजों का रेशियो निकालने बोला है, न्यूमेरिकल रेशियो किसका किसका, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड, यानी ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे डिस्टेंस कवर्ड होगा। एक चीज मैंने आपको थ्योरी में लिखाई थी कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इसको याद रख देते हैं, डिस्टेंस को नीचे भेज देते हैं। अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन मैंने, एवरेज वेलोसिटी वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये वन से या तो इक्वल है या तो उससे छोटा है, समझ में आता है, देख के समझ में आती बात। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू और लेस देन वन। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 2004 का क्वेश्चन है ये, और कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, सी वाला। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है two boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is equals to A. दो लड़के हैं और कैसे खड़े हैं वो, ग्राउंड के एंड पे खड़े हैं। ग्राउंड के एंड का नाम उनको दे दिया है, क्या नाम दिया है ग्राउंड के एंड का, ग्राउंड के एंड का नाम दिया है A B। एक एंड A है, एक एंड क्या है B है, यहाँ पर क्या है, दो बॉय खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, ए बी हमको दिया हुआ है कि ए बी का जो लेंथ है वो कितना है A, ए बी इज इक्वल टू क्या बोलता है A। The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity V1. B पे जो लड़का खड़ा हुआ है वो AB के perpendicular direction में ऐसे भागना शुरू कर देता है। समझ में आ गया, कितनी स्पीड से भाग रहा है, उसने कहा V1 स्पीड से भाग रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे, The boy at A starts running simultaneously with velocity V and catches the other boy in time t. जो बॉय ए पे खड़ा हुआ है वो क्या करता है, साइमल्टेनियसली यानी उसके साथ में भागना शुरू करता है, यानी जो टाइम पे ये भागना शुरू करता है उसी टाइम पे ये भी भागना शुरू करता है, और टी टाइम के बाद इसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है।
समझ में आ गया। उसके बाद आपको निकालने बोला उसने कि वो टाइम टी क्या है जिसपे ए वाले ने बी वाले को कैच कर लिया। समझ में आता है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, बी वाले बॉय के भागने के डायरेक्शन पे रेस्ट्रिक्शन है, वो ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही भाग सकता है, लेकिन ए वाले में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन। अगर ए वाला ऐसा सीधा जाएगा तो कभी पकड़ नहीं पाएगा, तो उसको डेफिनेटली कैसे भागना पड़ेगा, इस तरीके से भाग करके ऐसे पकड़ना। अब अगर ये कितनी स्पीड से भागा, 20 स्पीड से भागा, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक चीज याद रखेंगे कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम लोग को ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए होती है। यहाँ पर लेंथ नहीं है हमारे पास, है तो स्पीड दी हुई है, तो ये मत लगा देना उसके अंदर, ये गलती हो जाती है जल्दबाजी में, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ निकालनी है, यानी बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, लेंथ ही होता है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ध्यान से, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और दोनों कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड टाइम क्या आएगी, ये स्पीड टाइम क्या आएगी। तो समझ में आ गया, अब आपको डिस्टेंस मिल गया, यानी क्या मिल गई, लेंथ। अगर आपको लेंथ मिल गई, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v1 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब इसको यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, अब v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या मिल गया, a स्क्वायर। तो t स्क्वायर क्या मिला, t स्क्वायर मिला a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट ले लूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब बोलिए सर, a स्क्वायर को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, ये ऑप्शन में वैसे ही दिया, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग चलाना। तो हाँ, ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी 2005 में पूछा गया, ठीक है, पीएमटी का क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, देखिए ध्यान से, 20th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा है, पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड देन 4 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड, फाइनली मूव्स विद 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड। क्या बोलता है, एक पार्टिकल है जो 20 सेकंड के लिए क्या करता है, 3 मीटर पर सेकंड पर ट्रेवल करता है, फिर अगले 20 सेकंड के लिए क्या करता है, 4 मीटर पर सेकंड में ट्रेवल करता है, फिर अगले 20 सेकंड के लिए क्या करता है, 5 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल करता है। तो उसके एवरेज वेलोसिटी निकालिए, उसके एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने दो इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी वाला किया है, जैसे हमने ये शॉर्टकट किया था कि अगर कोई पार्टिकल हाफ टाइम v1 स्पीड से ट्रैवल करे, हाफ टाइम v2 स्पीड से ट्रैवल करे, तो उसकी एवरेज स्पीड बनेगी v1 प्लस v2 बाई 2। अब अगर आपको डेरिवेशन याद होगा मैंने जो कराया था, उसी के बेसिस पे अगर हम करें तीन इंटरवल के लिए, तो उसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं, ठीक है। उसका शॉर्टकट बनेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, v1 वो है 3 प्लस 4 v2 है, और 5 क्या है, v3 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 क्या होगा, 12 प्लस 3 यानी 12 बाय 3 यानी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड, 3 × 3 = 4। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको निकाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों का एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन। किसी बॉडी के पास वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो, जीरो। बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बच्चे बोलते हैं सर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी है ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया। तो यहाँ पर याद रखिए, आप एक कंसेप्चुअल एरर कर रहे हैं अगर आप ये आर्गुमेंट रखते हैं। वो कंसेप्चुअल एरर ये है कि एक्सेलरेशन का जो बेसिक नाता है वो फोर्स के साथ में, एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ में है, फोर्स के साथ में। अगर कहीं पे फोर्स है तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा, अगर वो मूवेबल बॉडी है। समझ में आ गया, मैं एग्जांपल देता हूं जो इसको बिल्कुल क्लियर कर देगा ये वाले पार्ट को। जैसे हमने क्या किया, एक पत्थर लिया, एक स्टोन लिया, उसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, या फिर मैं कैप ले लेता हूं इसको ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट कर देता हूं, ये ऊपर गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। समझ में आ गया, लेकिन क्या इसके पास एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं, इसके पास तो एक्सेलरेशन है, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों है? ग्रेविटी की वजह से है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। समझ में आ गया? तो ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन उसके पास फिर भी क्या हो, एक्सेलरेशन हो। समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए ही क्या है इसमें करेक्ट। ठीक है, बी सी और डी ऑब्वियसली क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब मैं इसको रीड कर देता हूँ और आपस में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा उसको क्यों रॉन्ग है, या आपका असाइनमेंट है। ओके, बी ऑप्शन में क्या बोला है उसने, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो इसी को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। उसके बाद सी वाला, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फोर्थ, अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो बी सी और डी आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोलता है, उसको भी मैं रीड करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 22 हमको ये कहता है, अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। How much further it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance to motion? ये question AIEEE 2005 का है। AIEEE JE Main का पुराना नाम है। JE Main जो exam है उसको पहले AIEEE कहा जाता था। अब समझ लीजिए आप कि JE Main का ये question है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि एक bullet है जो क्या कर रहा है, किसी fixed target को जाकर के क्या करता है, hit करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में हमको दिया हुआ है एक फिक्स टारगेट। सबसे पहला एक फिक्स टारगेट हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक फिक्स टारगेट है और इस फिक्स टारगेट को जाकर के एक बुलेट क्या करती है, हिट करती है। यहाँ पर एक बुलेट क्या करती है, यू वेलोसिटी से मान लिया उसको क्या करती है, हिट करती है। समझ में आ गया? उसके बाद ये बोलता है कि जैसे ही बुलेट इसको हिट करती है उसके बाद ये इस फिक्स टारगेट को ऐसे पेनिट्रेट करना शुरू कर देती है, और ऐसे पेनिट्रेट करते 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 3 सेंटीमीटर पे जब वो पेनिट्रेट कर गई तब इसकी जो वेलोसिटी जो भी थी वो क्या हो गई है, उसकी आधी हो गई। समझ में आ गया? यानी जब वेलोसिटी यू से क्या बन गई, यू से बन गई यू बाई टू, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 3 सेंटीमीटर वो ट्रेवल कर चुका है। समझ में आ गया? अब वो पूछता है आगे, देखो ध्यान से, वो पूछता है कि फर्दर उसको स्टॉप होने के लिए और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, या और कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। स्टॉप कब होगा, u by 2 पे थोड़ी होगा, जब वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी u by 2 से जीरो वेलोसिटी होने तक में उसने और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसने कहा है that it faces constant resistance to motion, यानी जो retardation हो रहा है वो क्या है, constant है। ये मतलब होता है constant resistance to motion, यानी क्या बोला उसने, जो retardation क्या है वो constant है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि retardation is constant, retardation constant है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए जरा, आप जो है इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, उसको स्प्लिट कर। फर्स्ट केस में हम ये बोलेंगे ऐसे कि उसकी वेलोसिटी u से क्या हो गई, u by 2 हो गई, u से क्या हो गई, u by 2। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी थी 4 और 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद क्या हो गई, 2 हो गई। तो 4 से कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 4 से 2 वाला केस एक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड केस में देखिए ध्यान से, हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी u by 2 से क्या हो गई, 0 हो गई, यानी 2 से क्या बन गई, अब 0 हो गई। ऐसे समझ सकते हैं उसको, क्लियर है? अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और फर्स्ट केस में ये उसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि u से u by 2 में ये क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, हमको एक चीज पता है कि इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। और हमको एक और चीज पता है, क्या पता है, और एक चीज कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, कितना है वो, 3 सेंटीमीटर। तो u है, v है, a है, s है, तो क्या लगा सकता हूं, v square is equals to u square plus 2as लगा सकता हूं। मैं यहां पर लगा देता हूं v square is equals to u square plus 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, u by 2, यानी हो जाएगा u square by 4। तो इनिशियल कितनी थी, u square थी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, माइनस 2a इनटू ये क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर।
क्लियर है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा 6a इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो जाएगा 3u स्क्वायर बाय 4, ये क्या हो जाएगा 6a, 3 1 3 2 का एक्सेलरेशन क्या मिलेगा u स्क्वायर बाय 4 2 का क्या आ जाएगा 8, यानी जो कांस्टेंट रिटार्डेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन वो क्या मिल रहा है u स्क्वायर बाय 8 मिल रहा है। समझ में आ गया, जितना यहाँ पर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है उतना ही रिटार्डेशन सेकंड वाले केस में भी होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो रिटार्डेशन है वो क्या है कांस्टेंट है, इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन, यानी रिटार्डेशन कांस्टेंट है। अब सेकंड वाले केस में ध्यान रखिएगा कि जब इसकी वेलोसिटी u से u by 2 हुई, तो जो इसकी फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी थी सेकंड केस में वही क्या बन जाएगी इनिशियल बन जाएगी, वो फाइनली जाकर के कितना होने वाला है वो जीरो होने वाला है। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ ये मेरी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरी क्या है फाइनल वेलोसिटी, a हमको मिल गया है कितना है वो u स्क्वायर बाय 8 है, क्योंकि a कांस्टेंट है, हमको निकालना है कि इस दौर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है, v है u है a है ऐसे, यानी फिर से क्या लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे। अब v का स्क्वायर करेंगे तो v का स्क्वायर करेंगे फाइनली कितनी है 0, यहाँ पर u का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा मेरे पास क्या माइनस 2 इंटू ए क्या है u स्क्वायर बाय 8 इंटू क्या हो जाएगा ये s हो जाएगा, ये पूरा टर्म वहां भेज देते हैं तो जाएगा 2 u स्क्वायर s अपॉन क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है u स्क्वायर बाय 4, u स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो, उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से 4 1 जा 4 2 जा 2 और 2 भी कैंसिल, यानी बचा क्या s इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, यानी जब उसकी वेलोसिटी u by 2 थी, u by 2 से 0 वेलोसिटी होने तक, उसके स्टॉप होने तक उसने एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल कर लिया 1 सेंटीमीटर और ट्रैवल कर लिया। समझ में आ गया, ये कहां का क्वेश्चन है AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन आसान है। ओके क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 CBSE PMT 2011 का क्वेश्चन है, और बार बार जो मैंने शॉर्टकट कराया बार बार उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गए हैं, ठीक है तो ध्यान से देखिए इसको क्या दिया हुआ है, आप आराम से कर लेंगे, सैकड़ों बार कर लिए हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज, मैंने बताया आपको कि आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रैवल करे आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल करे तो एवरेज स्पीड बनेगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ध्यान से क्या है, ये अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एक कार क्या करती है 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर देती है, उसके बाद क्या इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ एट अ स्पीड v, इफ द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर द वैल्यू ऑफ v इज, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमको बोला उसने कि हमारे पास एक कार है जिसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 200 मीटर ट्रैवल किया है, ओके उसके बाद क्या उसके बाद हमको बोलता है वो देखो ध्यान से, इट कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अपना आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से कवर करती है वो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है हाफ डिस्टेंस क्या कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल कर लिया, और आधा डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया आधा डिस्टेंस हाफ एट द स्पीड v से ट्रैवल किया, और उसकी एवरेज स्पीड हमको दी हुई है कितनी दी हुई है वो 40 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। समझ में आ गया, आपको निकालने बोला है ये v का वैल्यू कितना है, तो अभी हाफ ऑफ डिस्टेंस की बात हुई ना, आधा डिस्टेंस इतनी स्पीड से आधा डिस्टेंस इतनी स्पीड से, फिर से वही कहानी आधा आधा डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या शॉर्टकट है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड होती है हमारी क्या 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है पक्का आ जाना चाहिए आपको ये तो, ठीक है ना एवरेज स्पीड कितनी बोला है 40 बोला है 2 into v1 कितना हमारा हमारा ये क्या है v1 हो दिया है 60 और ये क्या हमारा v2 हो गया है v, क्या हो जाएगा 60 into v divide by क्या हो जाएगा 60 plus v, ठीक है ये zero cancel हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1s are 2 2s हो जाएगा 2 1s are 2 3s हो जाएगा, यानी बचा क्या है ये मान चले जाएगा हो जाएगा 60 plus v is equals to क्या हो जाएगा 3v, यानी 2v is equals to 60 यानी v is equals to क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्लियर, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ओके। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है बस बिगिंस टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बस है जो मूव करेगी एक्सेलरेशन से कितना है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, एक मैन है जो क्या करता है 48 मीटर के डिस्टेंस पर है बस से
और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना शुरू करता है बस की तरफ टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए. द मैन विल बी एबल टू कैच द बस आफ्टर. मैन जो है बस को कितने वक्त के बाद कैच कर लेगा ये हमको निकालने को बोला है. तो मैं इसका स्कीम बना देता हूँ. देखिए ध्यान से, एक मैन हमारे पास है और ये बस से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, 48 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है. ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हमको बोला गया है. ये जो है एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और बस जो है एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ी जो कि क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आ गया. अब आपको बोला है कि दोनों साइमल्टेनियसली चलना शुरू करते हैं और कितने टाइम के बाद ये मैन जो है बस को कैच कर लेगा. समझ में आ गया. अब जरा देखिए आप ध्यान से, ऐसे होगा ये बस ऐसे चलना शुरू करेगी, यहाँ से मैन चलना शुरू करेगा. समझ में आ गया. बस थोड़ी आगे चलती जाएगी. जब ये मैन यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या बस को पकड़ेगा? नहीं पकड़ पाएगा. क्यों? क्योंकि उतने टाइम में बस भी क्या है आगे बढ़ चुकी होगी. तो बेसिकली मैन को बस को पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ये तो 48 करना ही पड़ेगा. साथ ही साथ बस अगर यहाँ तक पहुंची है, समझ में आ गया, तो उसको बस ने जितना ट्रैवल किया वो भी ट्रैवल करना पड़ेगा. समझ में आ गया. तो मैन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? जो बस और मैन के बीच में इनिशियल डिस्टेंस था प्लस बस ने उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो भी. तो इसका मैं अभी एक इक्वेशन लिख देता हूं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा. तो यहां पर ऐसे लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मैन इज इक्वल्स टू होगा वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस प्लस 48. समझ में आ गया. अब देखिए ध्यान से, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मैन कैसे लिखेंगे और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस कैसे लिखेंगे. हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. ये डिस्टेंस है हमारा. अब मैन के मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, ठीक है ना. तो देखो ध्यान से, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो गया. तो यहां पर मैन के लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला पड़ेगा बनेगा वो स्पीड इनटू टाइम बनेगा. क्या बनेगा? स्पीड इनटू टाइम. तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, उसकी स्पीड क्या है, टी. टी टाइम के बाद उसने मान लेते हैं उसको कैच कर लिया. यहां तक, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है? टी टाइम लगा. अब बस के डिस्टेंस की बात करते हैं. बस के डिस्टेंस में तो कोई एक्सेलरेशन है ना, उसके मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है. अगर उसके मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमें s = ut + half at square लगाना पड़ेगा. लेकिन इसमें एक वर्ड यूज किया है कि बिगिंस. बस बिगिंस. बिगिंस का मतलब है बस स्टार्ट की, यानी इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो. अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी यानी इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा s = half at का स्क्वायर. समझ में आ गया. अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिख दूंगा, हाफ इंटू ए कितना है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 48. समझ में आ रहा है. अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 10t है, 2 को यहां भी भेज देंगे, यहां भी भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, वो रहेगा 20t, रहेगा टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 96. तो इक्वेशन क्या बनी, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके फैक्टर्स क्या है? इसके फैक्टर है हमारे पास t square minus 20 minus 80 plus 96 is equals to क्या हो जाएगा, 0, है ना. अब क्या हो जाएगा, t का वैल्यू is equals to 12 या फिर क्या हो जाएगा, 8. ऑप्शन में 12 सेकंड नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में 8 सेकंड दिया हुआ है, इसलिए आप t का वैल्यू क्या लिखेंगे, 8 सेकंड लिखेंगे. ये आपका सही ऑप्शन. समझ में आ गया. इस तरीके से हमारे यूनिफॉर्म मोशन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. अब हम इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं. ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज. तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सेमी सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है. सेमी सर्कल के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. इस तरीके से क्या करता है, ये जो सेमी सर्कल है इसका हमको रेडियस दिया हुआ है. इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 10 मीटर, और ये 5 सेकंड में कवर कर देता है. इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितने लगते हैं, 5 सेकंड टाइम लग जाता है. ठीक है, उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी क्या है. ध्यान दीजिए, उसने एवरेज स्पीड नहीं कहा. क्या कहा? एवरेज वेलोसिटी क्या है. अगर मुझे भी एवरेज निकालना है, वेलोसिटी निकालनी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा डिवाइड बाय टोटल टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है. इनिशियल को मान लेते कि क्या बना दो, स्ट्रेट लाइन बना दो. ये भी टेन है, मिला करके कितना होगा, 20 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. डिवाइड कर कितने टाइम में कवर किया उसने, 5 सेकंड. तो 5 वन और 5 4 यानी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड. 4 मीटर पर सेकंड क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी.
अगर वो क्वेश्चन में पूछता एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है, पूरे सर्कल का तो उपाया होता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या रहता है, पाया हो जाता है, समझ में आ गया। तो उसको आप क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालनी होगी आपको, तो आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या है पाया डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया उसने 5, और पाई तो आर कितना बोला 10, ये रहेगा पाई मतलब पाई टू रहेगी कितना रहेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आता है उसकी एवरेज स्पीड आता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत पहले 1980s में IIT JEE में पूछा जा चुका है, क्लियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, देखो 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है AMU मेडिकल 2002 का क्वेश्चन है, ये देखने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसका आंसर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है आंसर लाने के लिए। ये डेफिनेटली एक मिनट का क्वेश्चन नहीं है, आपको एक से ज़्यादा मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है जो स्ट्रेट रोड पे क्या करता है, वॉक करता है। कहाँ से कहाँ तक किया उसने, अपने घर से मार्केट तक का, और घर से मार्केट तक का जो फासला है वो 2.5 किलोमीटर का दिया हुआ है। आगे बोलता है कि जब वो जा रहा था तो उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। अब फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही वो होम से मार्केट पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि मार्केट तो बंद है। जब मार्केट बंद है तो क्या करता है, इंस्टेंटली वो टर्न होता है और आते वक्त अपनी स्पीड को रखता है 7.5 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट इज इक्वल टू। तो आपको पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 0 से 40 मिनट के इंटरवल में। समझ में आ गया, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को पूरा समराइज करता हूँ, ध्यान दीजिए। एक मैन है, मैन अपने घर से कहाँ पहुँचता है, मार्केट। कहाँ से कहाँ गया, होम से कहाँ पहुँचा, मार्केट। उसके घर से मार्केट की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर की, 2.5 किलोमीटर दिया, ठीक है। जाते वक्त उसने अपनी स्पीड रखी 5 किलोमीटर पर आवर, इतनी अपनी स्पीड रखी, ठीक है। वो घर से मार्केट पहुँचता है, उसको पता लगता है कि मार्केट बंद है, तो क्या करता है, ऐसे यहीं से क्या हो जाता है, रिटर्न होता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसको समझाने के लिए इस तरीके से बताएंगे, ऐसे क्या हो गएंगे, रिटर्न, ठीक है। और आते वक्त उसने अपनी स्पीड रखी 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमको पूछा है कि आप उसकी एवरेज स्पीड निकालिए कौन से इंटरवल में, 0 से 40 मिनट वाले इंटरवल, इस इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल में हमको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी। अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक ये हो जाती है कि वो समझते हैं कि ये पूरे जर्नी को 40 मिनट लगे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको बोला है 0 से 40 मिनट के इंटरवल में क्या निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जर्नी को 40 मिनट लगा हुआ। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप ये पता कर लीजिए कि पूरी जर्नी को कितना टाइम गुजरा, पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए उसको पहले। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी होम से मार्केट जाने में उसको T1 टाइम लगा, ठीक है। फिर मार्केट से होम पे रिटर्न आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, T2 टाइम। समझ में आ गया, तो हम T1 T2 निकालते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमको। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा क्या है, मान लो V1 है, डिस्टेंस तो दोनों में क्या है 2.5 किलोमीटर ही है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना है 2.5 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 5, तो 5 × 5 = 0.5, यानी 0.5 आर मतलब क्या हो जाएगा, आधा घंटा। आधा घंटे का मतलब हो जाता है 30 मिनट। आप बोलेंगे सर मिनट में यूज कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमको इंटरवल दिया है वो भी किसमें दिया हुआ है, मिनट में दिया है, तब तो आप ताकि हमको अंदाजा हो जाए कि कितने मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। अब T2 टाइम निकालते हैं, T1 टाइम तो जाने का टाइम निकला, अब T2 टाइम कौन सा होगा, आने वाला टाइम, यानी आने के लिए कितना वक्त लगेगा उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2/V2 हो जाएगा। अब D2 कितना है, अरे जाने में अगर 2.5 किलोमीटर लगे तो आने में कितना लगेगा, 2.5 किलोमीटर ही ना, जाते वक्त 2.5 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आते वक्त भी 2.5 किलोमीटर लेगा। लेकिन आते वक्त उसने अपनी स्पीड बदल ली थी, जाते वक्त तो 5 किलोमीटर पर आवर से गया था, आते वक्त 7.5 किलोमीटर पर आवर गया,
तो ये 2.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7.5 ये क्या हो जाएगा 1/3 आर। 1/3 आर यानी कितना मिनट हो जाएगा, 1/60 करने के लिए हो जाएगा 20 मिनट्स। समझ में आ गया? इसका ये मतलब हुआ उसको टोटल टाइम कितना लगा, जाने के लिए 20 मिनट लगे और आने के लिए 20 मिनट लगे, यानी टोटल टाइम उसको कितना मिला 50 मिनट। 50 मिनट में अपनी उसकी क्या कर दी, टोटल जर्नी कंप्लीट। समझ में आ गया? इसका मतलब वो होम से चला, ऐसे चलते 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 फिर क्या हो गया, वापस से होम पर आ गया और इसमें उसको 50 मिनट लग गए। आपको ये समझ में आ गया कि टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा। इसका मतलब अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि 40 मिनट कहाँ हो रहा होगा, 50 मिनट यहाँ पर हो रहा है, तो 40 मिनट जो है वो कहीं यहाँ हो रहा होगा, बीच का स्थान होगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब अगर आपको इस इंटरवल में 0 से 40 मिनट के इंटरवल में एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्यों ना हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या बोला उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो देखते हैं, ध्यान दो। जाते वक्त उसने तो ये पूरा 2.5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, लेकिन जब वो रिटर्न आ रहा है, जब वो रिटर्न आ रहा है तो सिर्फ 10 मिनट और चला है। कितना चला है, क्योंकि जाने में उसको कितना लग गया था, 30 मिनट लग गया था, तो और 10 मिनट का निकालना पड़ेगा क्योंकि 40 मिनट में पूछा उसने, तो हमको ये निकालना है कि और 10 मिनट में वो कितना चला। तो ये निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा उसकी स्पीड क्या है और उसका टाइम क्या है, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो उसको मैं जरा सा यहाँ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो हो जाएगा मेरा जाने वाला डिस्टेंस 2.5 प्लस वो 10 मिनट में डी का ट्रैवल किया मान लेते हैं, और उसके बाद टोटल टाइम कितना लिया 40 मिनट, और मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 40/60। ये डिस्टेंस मुझे निकालना है कि डी डैश 10 मिनट वाले डिस्टेंस के 10 मिनट में कितना ट्रैवल, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से ही आ रहा है। फिर से मैं वहां पर लॉजिक लगा सकता हूं, मैं ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूं उसको। डी डैश क्या होता है, ध्यान दीजिए, डी डैश क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड लिया, 7.5 से आ रहा है, कितना टाइम ट्रैवल किया, 10 मिनट ट्रैवल किया, इसको क्या करेंगे आर में कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, क्या बचेगा 7.5 डिवाइडेड बाय 6 6 6 6 6 क्या हो जाएगा पॉइंट ले लिया, 6 2 12 6 5 का कितना हो गया 30 1.25 किलोमीटर, यानी 30 मिनट में 2.5 किलोमीटर किया और अगले 10 मिनट में कितना ट्रैवल कर लिया उसने 1.25 किलोमीटर। यही हमारा क्या है, डी डैश। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2.5 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 चल जाएगा। समझ में आ गया ना। इसके बाद 2.5 प्लस 1.25 कितना होगा, 3.75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब ये डेसिमल है, दो प्लेसेस शिफ्ट कर देते तो कितना होगा 375 अपॉन ये 10^-2 होगा, नीचे जाके 10^-2 यानी 100, यानी ये क्या हो जाएगा 200 इंटू क्या हो जाएगा 3। अब इसको और कैंसिल कर देते हैं, 5 होगा 20, 5 0 0, 5 7 35, 5 5 25, 5 8 40, 5 5 55, 25, यानी 15 3 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारे पास 15 3 45/8 किलोमीटर पर। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से इसका लेआउट देख लीजिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि पूरी जर्नी को कितना टाइम लगा, उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि 40 मिनट में जर्नी कंप्लीट हुई कि नहीं। हमें देखना नहीं हुई पूरी जर्नी को, तो 50 मिनट लगा, यानी हमको एवरेज स्पीड निकालने बोला यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में, इस इंटरवल में एवरेज स्पीड क्या थी हमको निकालना बोल दिया। समझ में आ गया? फिर हमने देख लिया कि जाते वक्त कितना लगा 2.5 किलोमीटर, कितना टाइम लगा था 30 मिनट, और बाकी 10 मिनट में कितना ट्रैवल किया वो हमने निकाला, यहाँ पर मैंने इसको निकाल करके देख लिया। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही। ओके।